और देखिए पुडुचेरी विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट होगा। इसमें बड़ी खबर यह है कि फ्लोर टेस्ट से पहले दो और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के एक और डीएमके के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। तो एक के बाद एक कांग्रेस के पांच विधायकों का इस्तीफा। अब बहुमत के लिए जरूरत 14 विधायकों की है, लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस गठबंधन के पास 11 विधायक मौजूद हैं। रात में कांग्रेस के विधायकों से सीएम नारायण स्वामी मिलने भी पहुंचे, तो यहां संकट लगातार सरकार पर बना हुआ है, क्योंकि विधायकों का इस्तीफा रुक नहीं रहा है। दो और विधायकों के इस्तीफे के बाद ये चिंता और बढ़ गई है। नारायण स्वामी खुद पहुंचे विधायकों से मिलने के लिए रात में, सीधे रुक करेंगे। जयपाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जयपाल, क्या अपडेट है और इस खबर पर अभी? जी देखिए, जो पुदुचेरी विधानसभा है उसकी में जो नारायण स्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार है वो इस वक्त बेहद नाजुक स्थिति से गुजर रही है। खेल आंकड़ों का है, क्योंकि बहुत कम विधानसभा सीटें हैं। कुल 33 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन फिलहाल जो विधानसभा का स्ट्रेंथ है वो 27 का है, जिनमें क्योंकि कांग्रेस और डीएमके के कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में अब जो आंकड़ों का खेल है उसमें विपक्ष के पास ज़्यादा नंबर्स हैं, जबकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके पास जो संख्या है वो महज 12 की है। हालांकि जो नारायण स्वामी हैं, कल उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में तमाम विधायकों के साथ एक बैठक की थी और आज फ्लोर टेस्ट होना है। हालांकि बाहर निकलते हुए उन्होंने ये कहा कि उनके आगे की रणनीति जो होगी उसके ऊपर में वो कल सुबह एक फ्लोर टेस्ट से पहले एक मीटिंग करेंगे अपने विधायकों के साथ और उसके बाद ये तय करेंगे कि आखिर उनकी रणनीति क्या होगी। लेकिन जो नंबर है उसके हिसाब से ये साफ लगता है कि शायद ये बेहद मुश्किल होगा नारायण स्वामी के लिए अपनी सरकार को बचा पाना। ऐसे में संभव है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए जाएँ जरूर, लेकिन वहाँ पर विधानसभा के अंदर में जब कार्रवाई शुरू होगी तो उसके अंदर में वो एक अपना एक उसके अंदर भाषण देंगे। निश्चित रूप से वो भावनात्मक रूप से होगा और उसके बाद हो सकता है कि वो बिना फ्लोर टेस्ट के गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दे। फिलहाल यही स्थिति, ये हमारी अच्छा, ये जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से आ रही है। कितने बजे होना है? और दूसरी चीज ये कि जो आंकड़ों का खेल आप बता रहे हैं उससे तस्वीर किस तरह से साफ हो रही? जी देखिए, जो पुदुचेरी विधानसभा है उसके अंदर में कुल 33 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें जो हैं वो केंद्र शासित केंद्र द्वारा जो है मनोनीत की जाती हैं, यानी कि जो चुनाव होते हैं वो महज 30 सीटों के ऊपर में होते हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास 9 विधायक हैं, डीएमके के 2 विधायक हैं और 1 निर्दलीय विधायक उनके साथ है, यानी कि कुल आंकड़ा उनका जो है वो 12 का है, जिनमें एक स्पीकर शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ चले जाएँ तो एनआर कांग्रेस के पास 7 विधायक है, एआईडीएमके के पास 4 विधायक है और जैसा मैंने बताया कि 3 विधायक जो हैं वो केंद्र द्वारा मनोनीत है, यानी उनका आंकड़ा जो है वो 14 का है। यानी कि संकट बड़ा है और इस संकट से नारायण स्वामी निकल पाएंगे, फिलहाल तो ये स्थिति दिखाई नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयपाल प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।